बहुत ही अच्छा था। दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ये जो संस्कृत कॉलेज है ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है, जो रिस्पेक्ट है, जो सत्कार है, वो हमें वहां से सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था जब कॉलेज में मुझे ये अभी इस बार ये है कि मुझे ये अवसर मिल रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी जो है आज इस वर्कशॉप से जरूर कुछ सीखेंगे। और सर अभी जो कला के बारे में है हम शुरू करें कि या फिर अभी कुछ और ऐसा? जी जी सर जी नमस्कार। देखें बच्चों, आर्ट और क्राफ्ट जो है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये हमारे जो गिर्द है, हम जिस भी चीज को देखेंगे, चाहे वो मैन मेड है चाहे गॉड मेड है, और सबसे बड़ा क्रिएशन जो होता है, जो क्रिएटर है, वो गॉड है, हम सब जानते हैं। अगर हम आसमान को देखते हैं तो आसमान जो है हमें नीले के अलावा और बहुत सारे ऐसे कलर्स हमें उसमें नजर आते हैं, एक बहुत बड़ा कैनवस जो है वो हमें नजर आता है, जिसमें परमात्मा ईश्वर जो है रोज पेंटिंग करते हैं नए नए कलर्स के साथ, और उसमें जो बादलों की इमेजेस होती हैं, अगर हम उनमें देखें तो कोई ना कोई फॉर्म शेप जो है वो हमें नजर आती है। हमारे आसपास सराउंडिंग में जितने भी वनस्पति है, पेड़ पौधे फल फूल, और सबसे बड़ी क्रिएशन जो है वो ह्यूमन बीइंग, इसके साथ पशु पक्षी अलग अलग तरह के, ये सारी चीजें जो हैं ये ईश्वर द्वारा बनाई गई, और उससे हमें ये इंस्पिरेशन जो है, जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जो हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, हम ये हमारा मूल रूप से स्रोत वही है, नेचर। अगर हम एग्जांपल लें, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी उपलब्धियां मानी गई हैं, हवाई जहाज, ट्रेन, तो ये भी प्रकृति से ही जो है इसके प्रेरणा जो है वो ली गई है। अगर मिलीपीड्स की बात करें, जो जिस तरह से उसके वो पांव जो है वो चलते हैं, घूमते हुए नजर आते हैं, और वहीं से ट्रेन का जो है वो आइडिया लिया गया, एक स्रोत बना, और बर्ड्स जब हवा में उड़ते हैं तो वहां से जो एंटी ग्रेविटी की बात है वो करते हुए जहाज का इन्वेंशन हुआ। तो जो कला मीन जो भी एक ऐसी प्रतिभा, ऐसा एक टैलेंट किसी के भी अंदर है, और वो समाज को कोई ना कोई एक पॉजिटिव जो है वो देन देता है, जो हमारे देखने तक कंसर्न ना रह के हमारी आत्मा तक वो बात पहुंचती है और हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, उसका सामाजिक तौर पे हम लाभ उठाते हैं, और इस तरह का जो कौशल है उसे हम आर्ट कहते हैं। किसी भी समाज सभ्यता को जिंदा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आर्ट का होता है, अगर हम अपना इतिहास देखें, जो मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बारे में जो हमें पता चला कि लोगों का रहन सहन कैसा था, पहनना कैसा था, खान पीन कैसा था, लिविंग स्टाइल कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, तो वो सारी चीजें हमें आर्ट के जो प्रमाण मिले हैं, जो कि टेराकोटा की सील्स थी, टेराकोटा के स्कल्पचर्स थे, टेराकोटा के जो बर्तन थे, उनसे हमें मिले। टेराकोटा होता है जिसमें मिट्टी द्वारा चीजों को बनाया जाता है और आग में पकाया जाता है। जैसे हम मिट्टी के घड़े देखें तो वो टेराकोटा प्रोसेस होता है, कच्ची मिट्टी में चीजों को बनाना और उसको भट्टी में आग में पकाना, ये टेराकोटा का प्रोसेस होता है।
और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ का जो लिविंग स्टाइल था, वो सारा हमें इन आर्ट के प्रमाणों से मिला। अगर हम और भी पीछे चले जाएं, जबकि आदि मानव की हम बात करते हैं, गुफाओं में रहने वाले लोगों की बात करते हैं, तो गुफाओं में जो लोग रहते थे उस टाइम पे आदि मानव, और जिनका काम सिर्फ शिकार करके पेट पालना था, पत्थरों के टूल्स जो हमें मिले उनसे पता चला कि वो किस तरह के काम किया करते थे और शिकार कैसे किया करते थे। साथ में जो केव्स होती थी, गुफाएं जो होती थी, उन गुफाओं में पेंटिंग्स जो हैं वो मिली हैं। जो पेंटिंग्स हैं, जब भी उनको शिकार करना होता था, जो वो एक स्ट्रेटजी बनाते थे, एक प्लान बनाते थे, उनको पहले वो ड्राइंग करते थे वहां पे कि हमने इस तरह से इस जानवर का शिकार करना है, उसको किस तरह से घेरा डालना है, वो सारी चीजें एक प्लान के रूप में वो उसमें किया करते थे। और जिससे वो सिम्टम्स हमें मिले, जो पेंटिंग्स के प्रमाण हमें मिले कि वो किस तरह का मटेरियल यूज करते थे, जैसे हड्डियां होती हैं, हड्डियों में वो उनको होल करके और फिर उसमें कलर फिल करके, जो कि नेचुरल तरीके से ईंट पत्थर को घिस के, पत्थरों को घिस के जो कलर बनाया जाता था, और उनको उसमें फिल करके और मुंह से फू करके उसके ऊपर वो पेंट किया करते थे। तो ये आर्ट जो है, अगर हम देखें तो ऐसे कार्य जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, समाज को कोई ना कोई देन देते हैं, और हमें समझाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी कोई प्रतिभा हर एक में जब वो किसी न किसी रूप में सामने आती है, वो आर्ट कहलाती है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारी कलाएं हैं जिनमें मूल रूप से विजुअल आर्ट जैसे हम फाइन आर्ट्स भी कहते हैं, ललित कलाएं, तो इन ललित कलाओं में, विजुअल आर्ट्स में, जिसका कंसर्न देखने तक है, जिन कलाओं का कंसर्न देखने से है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसी कौन सी कलाएं हैं? कोई भी बच्चा जिनका कंसर्न देखने के साथ है। विजुअल का मतलब होता है देखना, है ना, देखने के साथ कंसर्न रखने वाली चीजें, ललित कलाएं, चित्रकला, ये कलाएं हैं। यस विकास जी, प्लीज बताएं। जैसे चित्रकला आदि होते हैं, उनको देखा जाता है तो देखने से। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखें, चित्रकला जो है ये देखने के साथ कंसर्न है इसका, ठीक है, और देखने से वो हमें पता चलता है कि ये किस कंसेप्ट को दर्शा रहा है। अगर हम पोस्टर्स को देखते हैं राह चलते हुए, वो उस पर कोई ना कोई एक मैसेज लिखा होता है। पेंटिंग जब हम देखते हैं, उसमें कोई ना कोई एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, और वो फिर हमें जो है वो जो भी कंसेप्ट है उसके साथ कनेक्ट करता है। हम कई बार उसको देख के हंसते भी हैं और कई बार हम इमोशनल हो जाते हैं। पेंटिंग, दूसरा है स्कल्पचर। स्कल्पचर जो है ये मूर्ति कला है, और हम देखें अगर पुराणिक मंदिरों की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम जो मंदिरों को डेकोरेट किया गया है वो मूर्तियों से किया गया है। अगर हम मीनाक्षी टेम्पल आप मदुरई तमिलनाडु की बात करें, तो उसमें मंदिर में आउटर साइड पे कोई भी ऐसी जगह नहीं यहाँ पे मूर्ति है। कोणार्क टेम्पल ओडिशा की बात करें तो वहां पे भी मूर्तियों से ही उस मंदिर को बनाया गया है, हर जगह मूर्ति बनाई गई है। दैट इज अ स्कल्पचर, जो कि हमारे इंडियन डीटीज, जो हमारे इंडियन भारतीय, जो हमारे देवी देवताएं हैं, उनकी मूर्तियां हैं। और कोणार्क टेम्पल को हम सन टेम्पल भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है वो सीधी जहाँ पे जो मेन फिगर होती है, वहाँ जो ईश्वर की प्रतिमा है, उसके ऊपर धूप पड़ती है। और
आर्किटेक्चर की भी वो सबसे अच्छी मिसालें हैं ये टेम्पल्स जो है। तो आर्किटेक्चर जो है वो भी विजुअल आर्ट का एक पार्ट है, और अप्लाइड आर्ट दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट। अप्लाइड आर्ट में जितनी डिजाइनिंग होती है, हम जो हमारे प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे यूज करते हैं जैसे साबुन, शैम्पू या अदर जितनी भी चीजें हैं, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उनके कवर डिजाइन होते हैं, वो सारे अप्लाइड आर्ट में आते हैं। जो होर्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी रोड साइड्स पे, वो भी अप्लाइड आर्ट में आते हैं। तो ये सारे विजुअल आर्ट्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें हम अपने आप को सेल्फ इन्वॉल्व करके अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। तो अब कोई स्टूडेंट बता दीजिए कि ये परफॉर्मिंग आर्ट में कौन कौन सी कला आती है, एक दो के नाम ले लीजिए, जिसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और कला को प्रेजेंट नृत्य करते हैं। सर, नृत्य 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 हो हाँ, गया, नृत्य, संगीत हो गया, संगीत, जनरल चित्रकला, संगीत, संगीत, नाटक, नाटक। नाटक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखें, परफॉर्मिंग आर्ट में डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सारी चीजें, सिनेमा, ये जितनी चीजें हैं ये सारी इसमें आती हैं। हम अपने आप को इसमें ढालते हैं, हम अपने बॉडी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से इन कलाओं को व्यक्त करते हैं। अब है लिटरेचर। लिटरेचर भी हम सब जानते हैं, शुरू से बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं और लिखते भी आ रहे हैं। तो कोई बच्चा अब मुझे बताए कि इसमें पर्टिकुलर कौन कौन सी कला आती है लिटरेचर में। लिटरेचर, कविता लेखन, कविता हाँ, साहित्य, वाचन, कविता, कविता, बच्चे, बहुत अच्छा। देखें, कविता हो गई जिसे हम पॉइंट्स कहते हैं, स्टोरीज होगी जो कहानियां होती हैं, उपन्यास, नॉवेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिटरेचर्स में आती हैं। तो देखें, अभी हमने पढ़ा कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आर्ट क्या होता है। कोई ना कोई एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसा टैलेंट जो हर एक में होता है, और उसको जब एज ए हॉबी या एज ए प्रोफेशनल किया जाता है और फिर समाज को कोई ना कोई देन दी जाती है उसके लिए, तो वो कला कहलाती है। अगर हम पेंटिंग की बात करते हैं, तो पेंटिंग समाज को कैसे देन देती है? आपने किसी एक कंसेप्ट के ऊपर जो है पेंटिंग बनाना शुरू की। जैसे मैं अपनी बात करूंगा, कुछ दिन पहले जो ये नेचर के ऊपर, सेव नेचर और सेव वाटर के ऊपर कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाई। जब वो पेंटिंग प्रदर्शित होती है, पब्लिश होती है, चाहे न्यूज़पेपर में या एग्जीबिशंस में, बहुत सारे लोग आते हैं, आर्ट क्रिटिक्स आते हैं, उन पेंटिंग्स को जब देखा जाता है और फिर उसको समझा जाता है, वो जो विषय को दर्शाती है, जो कंसेप्ट को दर्शाती है, और उसी से हमें जो है वो प्रेरणा मिलती है कि ये हमें ऐसा काम करना है, नहीं करना है। ठीक है, जिस तरह से एक फिल्म होती है उसमें भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखाई जाती हैं समाज की, और अच्छाई जो होती है उसी को बाद में जो है वो इस तरह से पेश किया जाता है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तो ये समाज में एक भलाई की देन की काम करती है। लियोनार्डो दा विंची आपने सुना है, मोनालिसा पेंटिंग उन्होंने बनाई। मोनालिसा पेंटिंग एक ऐसे दृश्य को दर्शाती है जिसमें सैडनेस एंड हैप्पीनेस, ये दोनों जो भाव हैं, महत्वपूर्ण भाव इंसान के, वो एक ही टाइम पे प्रदर्शित होते हैं अगर हम उस पेंटिंग को देखते हैं, मोनालिसा पेंटिंग। मोनालिसा पेंटिंग को करने के लिए जो वो कंसेप्ट पेंटिंग में दिखाना चाहते थे लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने 100 टाइम्स उस पेंटिंग को पेंट किया और फिर एंड में जाके वो पेंटिंग वैसी बनी जैसा वो चाहते थे। लियोनार्डो दा विंची ही 16वीं शताब्दी में ही उन्होंने जो जहाज आज हम आसमान में उड़ता देख रहे हैं,
उसको इमेजिन करके 16वीं शताब्दी में ही उन्होंने उसकी ड्राइंग कर दी थी, और 1901 में जाके पहला जहाज उड़ा। अल्बर्ट एइंस्टाइन कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। जो हम ज्ञान ले रहे हैं किताबों से, गुरुओं से, ये सारी चीजें जो है हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं, हमारी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं, और उसी से हम फिर समाज को कोई ना कोई देन दे पाते हैं और अपना भी बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह कर पाते हैं, किसी एक मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अभी हमने जितनी भी बातें की वो हम सारी आर्ट की बात कर रहे थे, और अभी हम क्राफ्ट की बात करेंगे। क्राफ्ट के बारे में अगर कोई बच्चा कुछ जानता हो, कोई भी एक शब्द, क्राफ्ट का क्या मतलब है, क्राफ्ट क्या होता है, वो प्लीज हमें बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखें, क्राफ्ट जो है ये एक ऐसा कौशल है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा होता है। जैसे अगर हम पॉटरी मेकिंग की बात करें, जो कुम्हार होते हैं, वो जो चूल्हे होते हैं, उनके बाप दादा वो काम करते थे, उनके बेटे भी वो काम करते हैं, और वो आगे चलता रहता है। और ये एक मास प्रोडक्शन होता है, जिसमें एक चीज बनाई तो वैसी ही दूसरी चीज बनाई, और फिर वैसी ही हजारों चीजें बनाई, जो कि एक कम रेट में मार्केट में लोगों के जरूरत के मुताबिक सेल होती हैं। अगर हम दिवाली की बात करें तो दिए जो हैं एक जैसे होते हैं, और वो 1 रुपये 2 रुपये उनकी कीमत होती है, और वो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं। मिट्टी के बर्तन भी इसी तरह से, चूल्हे जो काम करते हैं, टेक्सटाइल में जो काम आता है, जिसमें जूट के बैग होते हैं, ठीक है। और आजकल आप देखें कुछ स्टोन कार्विंग, छोटे छोटे पीसेस, आर्ट पीस बनाए जाते हैं, और उस दुकान पे जाएंगे तो एक जैसे ही बहुत सारे आपको मिलेंगे। वुडन वर्क होता है, जिसमें टॉयज बनाए जाते हैं और अदर ऐसे जरूरत की चीजें जो हमारे डेली रूटीन में काम आने वाली होती हैं। तो ये जितनी भी चीजें मास प्रोडक्शन में की जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही होती हैं, उसे हम क्राफ्ट कहते हैं। और क्राफ्ट जो है वो डेकोरेशन पार्ट भी होता है उनका। अगर हम इस बॉटल को देखते हैं, ये एक बॉटल जो है शीशे की बॉटल, इसके ऊपर थ्रेड लगाया हुआ है और कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स लगाए हुए हैं, जो पेपर के फ्लावर्स हैं, और ये लकड़ी का पीस है जिसको कलर करके इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है। और इस बॉटल को हम एज ए फ्लावर पॉट भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम कुछ जो है वो इस तरह से फ्लावर्स या फिर जैसे ये फ्रूट्स हैं, तो इस तरह से इसमें रखे लगाए हैं, तो एज ए डेकोरेटिव पार्ट भी इसको यूज किया जा सकता है, और डेली रूटीन में आने वाली चीजें हैं इनको भी यूज किया जा सकता है। आर्ट आर्ट और और क्राफ्ट क्राफ्ट दोनों में में ये ये अंतर हम अंतर हम कि कि आर्ट जो आर्ट जो है है उसमें उसमें किसी किसी एक कंसेप्ट के कंसेप्ट ऊपर के काम किया ऊपर जाता है, पेंटिंग या स्कल्पचर बनाया जाता है, और फिर वो दुनिया में एक ही लौता पीस होता है। जैसे मोनालिसा की बात कर रहे हैं, वो बहुत महंगी पेंटिंग है आज के टाइम पे, और उसकी कीमत इसीलिए है क्योंकि दुनिया में वो एक ही पीस है। और वो जो कंसेप्ट के ऊपर काम किया था, द सैडनेस एंड सारोनेस, वो वही जो एक पेंटिंग है दर्शाती है उस कंसेप्ट को, इसलिए उसकी ज्यादा कीमत है। वो आर्ट पीस में जो है उसको काउंट किया जाता है, और क्राफ्ट में एक ही जैसे, चाहे वो बहुत सुंदर चीज हो, लेकिन एक ही जैसी चीज को हजारों चीजें बनाई जाती हैं, और फिर उसकी कीमत उसी हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कम हो जाती है। ठीक है, हम बीएड में हमें बहुत सारे चार्ट डेकोरेशन के लिए मिलते हैं, हमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं जो कि बच्चों को हम पढ़ा सकें, उनको विजुअल्स दिखा के उनको समझ आ सके कि
सर किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, मैम किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये हमारे बीएड में इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके साथ भी हम अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को, रजिस्टर्स को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट में आती हैं, मेन जिसमें कंसेप्ट होता है और जिसमें डेकोरेशन होता है। ठीक है, तो आज हम दो चीजों का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एक तो राइटिंग, जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कैसे लिखते हैं। अल्फाबेट्स जैसे ABC हम लिखते हैं, जब हमें चार्ट बनाने की जरूरत होती है तो उसमें ए को, बी को, सी को, किसी स्पेलिंग को कैसे लिखना है, थोड़ा मोटा करके लिखें कि वो डेकोरेटेड भी हो, विजुअल भी सबको नजर आए। और उसी तरह से जब हम कार्ड मेकिंग करते हैं, बर्थडे का कार्ड हो तो उसमें कैसे लिखा जाए और उसको कैसे डेकोरेट किया जाए बहुत ही आसान ढंग से। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे तो मैक्सिमम बच्चे ड्राइंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ड्राइंग में थोड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है और चीज़ें एज इट इज नहीं बन पाती हैं। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम आर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्प्रे पेंटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हम आज सीखेंगे। तो सेकंड में थोड़ा सा आप बच्चों को नजर आ रहा है मेरी पेंसिल और पेपर? जी जी सर, जी जी सर, जी महोदय। ठीक है, आ देखें, सपोज हमने ए लिखना है तो उसके लिए हम सिंपल ए लिखेंगे। दिख नहीं रहा है सर, जहां आप लिख रहे हैं वो नहीं अभी दिख रहा है। देखा? जी सर। जी। तो ये हमने सिंपल ए लिखा है इस पे, और अब हम इसको चाहते हैं कि ये डेकोरेटिव भी हो और एक थोड़ा जो कैलीग्राफी है, थोड़ा सा मोटा इसका साइज जो है वो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर हम लाइन लगाएंगे जो कि इस लाइन को टच नहीं करेगी और वो एक जैसी चारों तरफ होगी। अभी मैं क्लोजअप करके दिखाऊंगा आपको। ये जो ए हमने लिखा था उसके चारों तरफ हमने एक और लाइन लगाई, चारों तरफ, जो कि एक सिमिलर डिस्टेंस को रखते हुए आई है। अब हमने जो पहले ए लगाया था, ए लिखा था, उस ए को हम मिटा देंगे। ठीक है, और इसमें हम कलर फिल कर देंगे। तो ये हमारा एक जो गोथिक स्टाइल का ए है वो लिखा जाएगा। इस स्टाइल को गोथिक स्टाइल कहते हैं, GOTHIC, गोथिक, जिसमें अल्फाबेट की थिकनेस जो है वो चारों तरफ से एक जैसी होती। ठीक है, हम इसमें ये इसको जब हम कलर करेंगे तो ये इस तरह से इसकी थिकनेस। अब दूसरा स्टाइल है। आप कोई ऐसा अल्फाबेट बताएं जो कि मुश्किल होता है, आप सोच रहे हैं कि उसको करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, वो अल्फाबेट आप मुझे बताएं, मैं उसको ड्रॉ करके बताता हूं। क्यों यू, W, है ना, X,
तो हम इसी तरीके से ही सब अल्फाबेट्स को बना पाएंगे। ये हमने यू लिखा और इसके चारों तरफ हमने इस तरह किया तो ये गोथिक स्टाइल में हो गया। अभी नेक्स्ट कैलीग्राफी का स्टाइल है रोमन स्टाइल। तो रोमन स्टाइल के लिए जो एक साइड के अल्फाबेट की लेग्स होती हैं वो पतली होती हैं और दूसरे साइड की मोटी होती है, ठीक है। तो इसमें रोमन में क्या होता है कि जैसे हमने सपोज ए लिखा, तो ए लिखने के लिए एक तरफ से हम ऊपर की ओर जाते हैं, दूसरी तरफ से नीचे की ओर जाते हैं। जो ऊपर की ओर जाते हैं वो जो लेग है वो पतली होती है और जो नीचे की ओर आती है वो मोटी होती है। इसमें इसी चीज का ध्यान रखना होता है हमने रोमन में। तो अभी मैं रोमन स्टाइल आपको लिख के बताता हूँ। देखें जैसे हमने पहले ए लिखा था वैसे ही अभी ए लिखा, लेकिन जो साइड अप की तरफ जा रही है लिखने टाइम पे उसको हमने पतला रखा, दूसरी साइड मोटी रखी। अब इसमें हम कलर फिल कर देंगे और आप ये जो एजेस हैं इनके, इन एजेस पे जो देख पा रहे हैं ये सेरिफ कहते हैं इनको, सेरिफ जो कि अल्फाबेट को और डेकोरेट करते हैं, जो इसके एज बना रहे हैं, ठीक है। इन एजेस को सेरिफ कहते हैं, जो कि यहां से आप देख रहे हैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं, कॉर्नर्स में थोड़ी सी लाइंस निकली हुई हैं और ये रोमन स्टाइल है। तो इसी तरह से सिंपल वे में पहले अल्फाबेट लिखें और फिर चारों तरफ से उसके लाइन लगाएं, उसको कलर कर दीजिए, तो वो आपका वैसे गोथिक स्टाइल और रोमन स्टाइल में आप लिख सकते हैं। अभी हम एक कार्ड बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना होगा कि स्प्रे पेंटिंग कैसे करते हैं। तो स्प्रे पेंटिंग करने के लिए एक पेपर लेंगे हम और उस पेपर के ऊपर जो है कुछ पत्ते रख देंगे हम। इन पत्तों को और फूलों को थोड़ा सजा लें इसके ऊपर। ये आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर वाइट फ्लावर्स रखे हैं मैंने, जो कि गार्डन से लिए गए हैं, और कुछ पत्ते जो हैं वो इसके ऊपर सजाए हैं। जी बिल्कुल, अब हम स्प्रे पेंटिंग करेंगे और इन पत्तों को और फूलों को हटा देंगे और ऐसी ही इमेज जो है वो हमारे इस कार्ड के ऊपर आ जाएगी। जब भी आप कलर लें तो आपका कलर थोड़ा थिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ज्यादा लिक्विड कलर ले लिया, पानी की मात्रा ज्यादा इसमें आ गई, तो
तो वो ड्रॉप्स गिरेंगे उसके ऊपर और जो कि आपकी पेंटिंग खराब हो सकती है। तो हमने थिक जो है वो कलर लिया और टूथब्रश, ठीक है, इसके लिए टूथब्रश हमें चाहिए जो कि वेस्ट टूथब्रश होते हैं घरों पे, और इसको हम हल्का सा कलर लगाएंगे और फिर अंगूठे की हेल्प से इसको जो है हमारी इस पेंटिंग के ऊपर स्प्रे करेंगे जो हमने ये जो इसके ऊपर हमने लगाए हैं हमारे फूल और पत्ते, और हम इसको ऐसे अंगूठे की हेल्प से स्प्रे करेंगे। थोड़ा और कलर लेंगे। ये बहुत ही आसान है करना। घरों पे किसी भी किस्म के जो फूल हमारे होते हैं उन फूलों को हम इसके ऊपर अपने तरीके से सजा लें, और फिर जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा हो उस कलर से आप इसको स्प्रे कर दें। सर पास होने के कारण थोड़ा दिख नहीं रहा है। अभी दिख रहा है सर? जस्ट ए मिनट सर। सर इज इट विजिबल नाउ? अभी आ रहा है सर नजर? यस जी जी सर आ रहा जी सर। ओके ओके। तो हम लगातार जो है कलर लगाते रहेंगे और को स्प्रे करते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि कलर अच्छे से जो है वो पेपर के ऊपर ना लग जाए। और एक ही कलर की पेंटिंग ना बना के हम दो तीन कलर्स जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे मैं ब्लू कलर को कर रहा हूँ और इसके बाद फिर हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे और कहीं कहीं पे हम येलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू कलर जैसे ओवर हो गया। और अभी हम रेड कलर से स्प्रे करेंगे। इस तरह की जो स्प्रे पेंटिंग है आप इनको माउंट करके फ्रेम करके हम घरों में सजाने के लिए लगा सकते हैं। ये क्राफ्ट में आती हैं और इसके साथ हम इनसे जो ग्रीटिंग्स बनाते हैं, बर्थडे ग्रीटिंग्स है या फिर न्यू ईयर ग्रीटिंग्स है, हम उसमें भी ऐसी पेंटिंग्स का इस्तेमाल करके और इनके ऊपर उन ग्रीटिंग्स का मेंशन करके हम अपने पास भी रख सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। रेड का और इस्तेमाल करेंगे हम इस पे। ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 और 7 मिनट में ही आपकी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और बिना कुछ ड्राइंग किए, बिना कुछ कलर अप्लाई किए, सिर्फ आपको स्प्रे करना। तो अभी जैसे स्प्रे हुआ और तो हम इसमें से जो है फूल और पत्ते हटा देंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसके ऊपर फूल और पत्ते रखे थे उनकी जो छवि है वो इसके ऊपर आ गई। सबको नजर आ रहा है?
जी सर सर देख रहे हैं। और इसमें हमने बेस कलर कुछ नहीं किया था, इसको हमने वाइट रखा था। और दूसरी पेंटिंग जो आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें हमने येलो जो है उसको बेस रखा था, हल्का हल्का येलो लगाया था कहीं पे, और फिर उसके ऊपर पत्ते लगा के हमने स्प्रे किया था, जिसमें ब्लू कलर और कहीं कहीं पे रेड कलर है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने अल्फाबेट्स सीखे हैं वो अल्फाबेट्स को हम इसके टॉप पे यहाँ पे लिखेंगे, हैप्पी बर्थडे या फिर जो भी आप ठीक समझते हो, तो हमारा जो है ये कार्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। और एक चीज और, कि जब हम इस तरह की कोई भी ड्राइंग या पेंटिंग रेडी करते हैं, पेपर पे बनाते हैं, तो इसको माउंट जरूर करना है हमने। माउंट जो होता है हमारी ऐसी पेंटिंग्स हाँ को ग्रेस देता है। और जैसे मेरे पास ये एक ब्लैक पेपर है, और ये ब्लैक पेपर को बेस बना के मैं इस पेंटिंग को इसके ऊपर पेस्ट करूंगा, और ये चारों तरफ से एक जैसा भी हो सकता है माउंट। और जब कभी कोई अब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जिसमें कलर का प्ले होता है या लाइन फॉर्म और कुछ डिजाइन्स होते हैं, तो वहां पे हम माउंट के लिए नीचे से स्पेस ज्यादा छोड़ते हैं, सो दैट हमें पता चले कि पेंटिंग सीधी कैसे है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से एक ब्लैक माउंट जो है वो हमें नजर आ रहा है, बॉर्डर नजर आ रहा है, तो ये पेंटिंग को और भी ग्रेसफुल कर देता है, कोई भी बनाई हुई हमारी पेंटिंग जो है। हमने सीखा कि अल्फाबेट्स को राइट कैसे करना है, और स्प्रे पेंटिंग जो है वो कैसे बनानी है। अभी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी के मन में आर्ट के प्रति कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, प्रश्न हो, तो वो अभी पूछ सकते हैं। जी सर, मेरे मन में ये है कि आपने जो जी अल्फाबेट बताए बताए हैं इंग्लिश में, अगर हम इनको हिंदी में करने चाहें तो। देखें, ये एक बेसिक मैंने आपको बताया, फार्मूला यही अप्लाई होगा सब जगह पे। आप चाहे हिंदी लिखें, तमिल लिखें, बंगाली लिखें, इंग्लिश लिखें, तो एक अल्फाबेट मैं हिंदी का आपको करके बताता हूँ, ठीक है? आप कोई अक्षर मुझे बताएं, मैं वो अक्षर आपको करके बताता हूँ। री री सर, री संयुक्त वर्ण है एक ख। हाँ, री बता दीजिए, कोई भी एक संयुक्त वर्ण बता दो। री कैसा ऋषि होता है आप ऋषि मुझे लिख ऋषि के बताएंगे इसमें? री ऋषि को कर दीजिए सर। हाँ ओके, हाँ कर देता हूँ मैं, क्योंकि री मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है लिखने में। हाँ कर देता हूँ मैं। ये देखें, हा सिंगल हमने लिखा, जैसे हम आम लिखते हैं, ठीक है? और इसको मैं अभी वैसे बनाऊंगा, चारों तरफ से हम वैसी ही लाइन लगाएं जो कि एक्चुअल लाइन को, पहली लाइन को टच ना करे। थोड़ा सा ध्यान से करना होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो भी बराबर रहे, और जो लाइन पहली वाली थी वो टच भी ना हो। अब जो हमने पहले हा लिखा था, उस हा को हम मिटा सकते हैं, और ये हमारा गोथिक स्टाइल में हा लिखा गया, ठीक है? अगर जी सर हम जी, बिना इसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन
उसमें कहीं पे मोटाई कम हो जाएगी, कहीं पे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये इस तरह से करना ठीक है। जब आप ऐसा कर लें और फिर उसके बाद आपका हाथ जब चलना शुरू हो जाए तो आप बिना लाइंस लगाए, बिना उसके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई और सवाल? गुरुजी, पेज पर जो माउंट बनाएंगे ब्लैक कलर का, उस पर भी क्या स्प्रे करनी है? वो कैसे बनेगा, थोड़ा बताएंगे आप? जी, देखें, मैंने तो पेपर लिया है, मेरे पास रेडीमेड ब्लैक पेपर था। आपके पास अगर ब्लू पेपर भी है रेडीमेड, और सपोज आप चाहते हैं कि मेरी इस पेंटिंग को इस कलर का बॉर्डर लगे, इस कलर का माउंट हो, तो आप उस पेपर के ऊपर कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ब्रश के साथ उसको सुखाइए और फिर उसके ऊपर आप अपनी पेंटिंग को पेस्ट कर दीजिए, चारों तरफ से बॉर्डर को एक जैसा छोड़ते हुए। ठीक है जी, जी गुरु जी, धन्यवाद। पेंटिंग को माउंट जरूर करना है आपको, ताकि पेंटिंग की जो ग्रेस है वो बढ़ जाती है, विजुअल जो अपील होती है, जो एस्थेटिक्स होता है वो बढ़ जाती है उसमें। जी किसी के मन में और कोई सवाल हो जी आर्ट गुरु के जी, प्रति? जी जी गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कला और शिल्प में अंतर कैसे जान सकते हैं, इसमें अंतर क्या है कला और शिल्प में? हाँ, देखें, अभी मैं बात कर रहा था कि जो कला है, जो आर्ट है ना, वो किसी न किसी एक कंसेप्ट को दर्शाती है। ठीक, और जिसमें समाज के सुधार के लिए कंसेप्ट होता है, जो एस्थेटिक्स के साथ जुड़ा हो या किसी न किसी इमोशंस के साथ जुड़ा हो, और कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय जो कि हमें अवगत करवाता हो कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, तो पेंटिंग जो होती है, चित्र जो होता है, आर्ट जो है, वो पेंटिंग पूरे विश्व में जो भी आर्टिस्ट कर रहा है उसके मुकाबले कोई दूसरी नहीं होती, वो एक ही होती है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट जो भी काम करता है उसका कंसेप्ट एक हो सकता है, लेकिन उसका विजुअल जो काम करने का तरीका है, जो उसके एक्सपीरियंस है, जो उसकी स्टडी है, वो डिफरेंट होती है। और इस तरह से ये शिल्प से उसको अलग करती है। शिल्प जो है ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ये ट्रेडिशनल पेशा है, कारीगरी है, जो कि मास प्रोडक्शंस में आती है। क्योंकि हम जो दिया है उसको हम जितना भी डेकोरेट कर लें, ठीक है, और उसको डिजाइन करें, डेकोरेट करें, कुछ भी करें, और उसकी कीमत तब बढ़ सकती है जब हम एक्चुअल कोई महंगी चीज उसके ऊपर लगाएंगे, नहीं तो वो हमारे जरूरी काम तो आ रही है, ठीक है, लेकिन वो मास में है, वो बहुत ज्यादा है, वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से समाज में उसकी जो कीमत है वो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये रहेगी। लेकिन आर्ट की हमारे एक आर्टिस्ट हैं वैन गॉग, आपने सुना होगा उसका नाम, अगर वैन गॉग, वो आर्टिस्ट जो हैं उनकी पेंटिंग की, एक पेंटिंग की कीमत जो है वो ब्रिटेन का जो एक शहर है उसको बसाया जा सकता है, एक नया शहर बनाया जा सकता है। पिकासो आप सबने सुना है, पिकासो की पेंटिंग्स की भी इतनी कीमत है कि उसमें मैं तो कहता हूं कि दिल्ली जैसे शहर जो है उनको नया बनाया जा सकता है, बॉम्बे जैसे शहर को नया बनाया जा सकता है, इतनी एक एक पेंटिंग की कीमत है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनकी जो स्टडी थी, उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपने उस काम में लगाया है। और जो उनके जो कंसेप्ट हैं, उनके जो टेक्निक्स हैं, वो यूनिक थी, नई थी समाज से, और आर्ट फील्ड में उन्होंने समाज को कुछ ना कुछ नया दिया है, जिसकी वजह से उनकी कीमत होती है, और ये डिफरेंस रहता है आर्ट और शिल्प में, क्राफ्ट में। जी गुरु जी, गुरु जी जैसे मूर्ति कला ये कला के अंतर्गत आता है, तो शिल्प के अंतर्गत भी मूर्ति आता कला आता होगा क्या?
मूर्तियों का निर्माण होता है जहाँ? आता है, आता है। लेकिन अगर आप उड़ीसा में, मुझे लगता है संस्कृत कॉलेज से ज़्यादातर स्टूडेंट्स उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा में रोड साइड्स पे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारीगर होते हैं जो कि स्टोन के ऊपर काम करते हैं, और कुछ ऑर्डर्स पे काम करते हैं, और कुछ ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं, जो किसी ने ऑर्डर दिया है नहीं दिया है वो करते रहते हैं, क्योंकि लोग जो आते हैं जिनको अच्छी लगती है वो चीज़ खरीद लेते हैं। अब इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, स्कल्पचर स्टोन, जो एक आर्टिस्ट है, एक कारीगर अलग भाग, कारीगर आता है जो क्राफ्ट का काम करता है, और आर्टिस्ट होता है जो आर्ट का काम करता है। अब दोनों को एक जैसा स्टोन दिया गया, ठीक है, और जो आर्टिस्ट है उसने भी उस स्टोन को किया, और स्टोन में अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, जो कि आज तक कोई फॉर्म इन्वेंट नहीं हुई, उसने किसी एक नई फॉर्म को इन्वेंट किया विद न्यू कंसेप्ट, और जो कारीगर है वो क्या कर रहा है, जो ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए, उसी तरीके को फॉलो करते हुए, उसी इमेज को फॉलो करते हुए उसने वो बनाया है। अब उसकी कीमत उसकी भी है, क्योंकि उसने 20 दिन 15 दिन में जाके उस स्टोन को बनाया है, और जो आर्टिस्ट है जिसने अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बनाई है, ठीक है, और हो सकता है उसकी 1 करोड़ रुपये वैल्यू है, और उसकी जो है वो ट्रेडिशनल तरीके से 4,000, 5,000, 10,000 उसकी जो है वैल्यू है, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन में आता है, वो ट्रेडिशंस में आता है, उसमें नया नहीं है, उसमें एक कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट वही है ट्रेडिशनल जो सदियों से चल रहा आ रहा है। अगर एक आर्टिस्ट भी उसी कंसेप्ट को लेता है, लेकिन उसमें फॉर्म जो है वो मॉडर्नाइजेशन तरीके से अप्लाई कर देता है उसमें, तो वो आर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। छोटे तो छोटे हमने स्टोन्स के काम देखे हैं बहुत सारे रोड साइड्स पे, सेल होते हैं, सुलत में स्टोन का काम भी आता है, वुड का काम भी आता है, आर्ट में भी स्टोन का काम भी आता है, वुड का काम भी आता है, लेकिन डिफरेंस यही रहता है कि वो ट्रेडिशनल तरीके से काम हो रहा है, जो न्यू इन्वेंशन जो करीब है और उसके बेस पे काम हो रहा है। और किसी को कुछ जानना है? जी जी सर, एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। जैसे जी जो आपने पेंटिंग के लिए बताया, तो जैसे मान लो हम कोई स्केच कर रहे हैं या पेंटिंग किसी की बना रहे हैं, हमारे पास एक ही कलर है, मान लीजिए पेंसिल है, तो हमने उसको उसमें एक टेक्निक आप बता दीजिए कि जिससे एक ही कलर को हम देखने वाला उसको हाईलाइट कर सके कि हाँ इसने मतलब इसने क्या एक्स्ट्रा किया है। वो देखें, हम किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं ना, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से लाइट का सोर्स होता है। आप अभी मुझे जो देख पा रहे हैं, मेरे सामने इधर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और बल्ब की रोशनी मेरे मुंह पे पड़ रही है, और जहाँ जहाँ पे शेडो आ रहा है वहाँ वहाँ से आपको डार्क नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पे जो मेरे एरियाज प्रोमिनेंट हैं वहाँ पे लाइट नज़र आ रहा है, तो यही फार्मूला हमने आर्ट में अपनाना होता है। लाइट सोर्स को देखना है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट किस तरफ से पड़ रही है, और जो प्रोमिनेंट एरियाज होते हैं उनको लाइट रखना होता है, जो डीप वाले जैसे हमारा आई वाला एरिया जो ये वाला है, तो इसको हमने डार्क करना होता है, और जो डार्क करने वाला पोर्शन है पेंसिल के साथ उसको हम रेंडरिंग कहते हैं, शेडिंग, ठीक है, रेंडरिंग, तो वो हाईलाइट करता है, लाइट और डार्क का जो बैलेंस है उसको बनाता है, और उसी से जो ऑब्जेक्ट का 3D इफेक्ट है वो नज़र आता है। और इसमें पेंसिल्स जो होती हैं वो अलग अलग नंबर की आती हैं, कोई कोई आर्टिस्ट की मास्टरी इतनी हो जाती है कि वो एक ही पेंसिल से लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन को वो क्रिएट कर देता है, लेकिन इसमें बहुत सारी पेंसिल्स होती है, जैसे B1, B2, B3, B4, इस तरह से B10 तक, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे पेंसिल डार्क होते जाएगी, फिर उसके बाद एक स्टेडलर पेंसिल आती है, वो भी डार्केस्ट पेंसिल होती है, और H नंबर की जो पेंसिल्स होती हैं वो लाइटर पेंसिल्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रेंडरिंग करनी है, वहाँ पे एच वाली पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं,
वहाँ की डार्क पेंसिल का मिडिल टोन का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे B2 B3 पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डार्केस्ट एरिया दिखाना है वहाँ पे हम B10 के बाद पेडलर पेंसिल जो होती है डार्क पेंसिल उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो शेडिंग प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है, जिससे पेंसिल द्वारा पोर्ट्रेट बनाया जा सकता है जो कोई भी बनेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करूंगा किसी को और कुछ पूछना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने जो है अपना एक अमूल्य समय दिया और हमें जो है यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपसे सुने और कितना अच्छा आपने व्याख्यान दिया आर्ट और क्राफ्ट। हम लोग तो सर आर्ट और क्राफ्ट सब एक ही समझते रहते हैं, सब एक ही होता है, लेकिन आपने आर्ट में भी इतने विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट्स और क्या क्या सब बताया सर आपने, और क्राफ्ट में भी चीज़ें बनाकर दिखाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बच्चों को आज अवश्य ही इससे लाभ हुआ होगा। EPC तो अपनी जगह है लेकिन सर ज्ञान प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ है सर, और इससे सर इसलिए आपको मैं अपने विद्यालय की तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से, विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। गुरु जी। हाँ मुकेश जी, ये इनका परिचय गुरुजी उस समय नेटवर्क प्रॉब्लम की परिचय हम जान नहीं पाए। मैंने आपको बताया नहीं, हमारे अरजिंदर सर हैं, ये केवी वन तालाब में हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में अध्यापक हैं सर, और ये वहीं पर कार्यरत हैं। आपसे मुलाकात होगी इनकी जब आप जाएंगे वन तालाब में, तो अवश्य मुलाकात होगी सर। जी जी सर, मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन सर वन तालाब में जब विद्यालय में बोध के लिए गए थे तो वहाँ की जो पेंटिंग ड्राइंग दीवारों पर कोरोना के रिलेटेड की थी, हम बहुत प्रभावित हुए थे उसको देख करके। उसमें भी सर का जो है कि अवश्य ही निर्देशन है और परामर्श रहा है। जी जी सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। केवी वन तालाब और संस्कृत कॉलेज का बड़ा ही पुराना रिलेशन रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है, आभार व्यक्त करते हैं परिजनों का भी और विद्यार्थियों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जो अवसर आपने प्रदान किया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी जो है आप मुझे इस तरह से याद करते रहें। मेरे श्रीवास सर, सभी बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद। गुरुजनों को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः गुरुजी। बहुत बहुत नमस्कार है। नमन। प्रणाम महादेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नमो नमः। अभी छात्र लेफ्ट नहीं होंगे, अभी छात्र लेफ्ट नहीं होंगे। सर मुझे इजाजत है, मैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी विवेक जी, हमारे अरजिंदर सर चले गए हैं, और अब कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है कि हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है। तो जैसा सर ने बताया कि आर्ट और क्राफ्ट, इस पर तो आप 1 से 2 पेज लिख लेंगे, ठीक है, आर्ट क्या होता है, क्राफ्ट क्या होता है, और आज की डेट डालकर उसका प्रतिवेदन लिखेंगे कि आज दिनांक, आज की 18 तारीख है ना, तो 18/6/2021 को हमने अपने EPC कौन सा है, 2B, कौन सा EPC है, 2B, हमारे श्री अरजिंदर सर केवी वन तालाब से सम्मिलित हुए, उन्होंने हमें सिखाया। एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट जो सर ने आज आपको सिखाया ना, वो बनाकर भेजना है कार्ड। EPC किस पे भेजना, मैंने आपको ईमेल दे दिया है, उसी ईमेल आईडी पर आप सब लोग एक अच्छा सा कार्ड बनाकर भेजेंगे। उसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक जैसे कार्ड बनाएंगे, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे ये आप एक सीट ले लीजिएगा A4 की, ठीक है, दिख रहा है सबको? जी गुरु जी, जी सर, जी सर। और उसको ऐसे ए सीट को आप ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। और जो फोल्ड करने के बाद ये इसका फ्रंट हो जाएगा, इसमें नेम लिख सकते हैं और ये बैक का साइड होगा। तो इस फ्रंट पे आप जो उन्होंने डिजाइन बनाया वो डिजाइन बनाना है आपको, और इस पे लिखना है कुछ, और पीछे जो बैक साइड होगा इस पे अपना नाम, APC, अपना रोल नंबर इत्यादि सबसे नीचे यहाँ पर लिखना है। समझ गए? क्या बनाए? एक कार्ड जो सर ने आज सिखाया है कार्ड बनाना, वो ही बनाएंगे हम लोग अच्छे से। जो जितने अच्छे से बना के रखेगा उतना अच्छा नंबर मैं सबको दूंगा। इसमें किसी को कुछ संदेह हो तो पूछिए। फिर से हाँ ठीक है। तो अब आप सभी लोग जो है यहाँ पर अपना रोल नंबर दीजिए, रोल नंबर अटेंडेंस बताइए। सर उसमें बीच में क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है, हिंदी में, किस में लिखना है? हाँ आप हिंदी संस्कृत किसी में लिख सकते हैं, ठीक है, भाषा का बंधन नहीं रहेगा। यहाँ पर फ्रंट पेज को डेकोरेट करना है, यहाँ पर एक कार्ड की तरह जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सुभाषित इत्यादि कुछ भी, और फिर पीछे यहाँ पर नीचे की तरफ अपना नाम, रोल नंबर, APC जो भी है उसका नंबर लिख लेंगे, ठीक है, समझ गए जी गुरुजी। और वो कार्ड पूरी तरह अच्छे से बना के और मेल करना है, ठीक है। तो अभी अपना सब लोग रोल नंबर दीजिए, रोल नंबर देकर लेफ्ट कर सकते हैं।